दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों दूध के साथ सूखे मेवे छोटे बच्चों, बढ़ते बच्चों और यहाँ तक कि बड़ों के लिए सबसे अच्छा पेय है। बादाम और काजू दूध के साथ मिलाकर हमारे शरीर को विटामिन, प्रोटीन और आवश्यक मिनरल प्रदान करते हैं। माताएं आमतौर पर अपने बच्चों को काजू, बादाम और दूध मिल्क शेक के रूप में देना पसंद करती हैं, क्योंकि यह बढ़ते बच्चों को कैल्शियम और प्रोटीन की अच्छी मात्रा प्रदान कर सकता है। आइए जानते हैं दूध के साथ काजू बादाम खाने के फायदों के बारे में। नंबर एक, दूध के साथ काजू बादाम आपके हृदय प्रणाली के लिए उपयुक्त हैं। काजू बादाम में मौजूद अच्छे असंतृप्त फैटी एसिड आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। इन सूखे मेवों को दूध के साथ लेने से इनके लाभ बढ़ जाते हैं, क्योंकि दूध आपके शरीर को कई विटामिन और मिनरल प्रदान करता है। नंबर दो, बादाम और काजू आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। एक गिलास गर्म दूध के साथ सूखे मेवे खाने से आपको विटामिन ई और आपके बालों, नाखूनों और त्वचा के लिए कई अन्य अच्छे विटामिन मिलते हैं। नंबर तीन, काजू बादाम दूध के साथ आपके स्वस्थ वजन को बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। यदि आप मोटे हैं तो आप सूखे मेवे खा सकते हैं, क्योंकि ये स्वस्थ स्नैक्स हैं और इन सूखे मेवों को लाभों को दो गुना करने के लिए एक गिलास गर्म दूध पिएं। दूसरी ओर यदि आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन ड्राई फ्रूट का सेवन मिल्क शेक में डालकर कर सकते हैं। नंबर चार, आपको बता दें कि काजू बादाम वाला मिल्क शेक कब्ज को रोकने में बहुत मददगार होता है। यह सूखे मेवे फाइबर से भरपूर होते हैं और आपके पेट को स्वस्थ रखते हैं। नंबर पाँच, प्रसव उम्र की महिलाओं और मेनोपोज के बाद की महिलाओं को अपने दैनिक आहार में दूध के साथ काजू बादाम का सेवन करना चाहिए। ये मिनरल और विटामिन के शानदार स्रोत हैं, जो महिलाओं की हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। दोस्तों बादाम और काजू जैसे सूखे मेवों का सेवन करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पाने के लिए आप इनका सेवन दूध के साथ कर सकते हैं। आप मिल्क शेक बना सकते हैं। मिल्क शेक पीने का सबसे अच्छा समय सुबह या दोपहर का समय होता है। इसी तरह आप दूध में इन सूखे मेवों को उबालकर या रात में दूध के साथ इन सूखे मेवों का उपयोग करके एक गर्म पेय बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।